नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को होने वाला मैनचेस्टर टेस्ट दोनों क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी से रद्द कर दिया गया है। कल का मुकाबला दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये मैच सीरीज का डिसाइडर होता। इस मैच को कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रद्द किया गया था। अब BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली 22 सितंबर को इंग्लैंड के क्रिकेट प्रतिनिधियों के साथ मैनचेस्टर टेस्ट के शेड्यूल पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। बता दें कि इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों को भारी नुकसान से गुजरना तय है। ECB की माने तो कोरोना की बात सामने आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में उतरने से मना कर दिया था। अब BCCI इस मैच के लिए दूसरी विंडो तलाश कर रहा है, जिसमें आखिरी टेस्ट मैच का आयोजन किया जा सके। इस बारे में BCCI ने कहा, BCCI और ECB के बीच मजबूत संबंधों के बदले BCCI ने ECB को रद्द किए गए टेस्ट मैच के शेड्यूल की पेशकश की है। दोनों बोर्ड इस टेस्ट मैच को पुनः निर्धारित करने के लिए एक खिड़की खोजने की दिशा में काम करेंगे। इस मैच को करवाने के लिए साल 2022 का समय देखा जा रहा है, जहां भारत को दोबारा वनडे और T20 के लिए इंग्लैंड दौरा करना है। फिलहाल इन सभी बातों पर अभी अपडेट आनी बाकी है। आपको बता दें कि भारत के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस मामले को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं और इस वक्त आइसोलेटेड हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।